हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानू चावड़ा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर आमतौर पर बात की नहीं जाती है, मतलब स्ट्रेस के बारे में, प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाले स्ट्रेस के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी जो यूजफुल हो सकती हैं आपके लिए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्ट्रेस होता है वो हमारी मदर की हेल्थ पर, बेबी की हेल्थ पर क्या नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, या फिर इस स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि आपको ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है फर्स्ट में, सेकंड में ये स्ट्रेस आपकी आप पर क्या इफेक्ट डाल सकता है, और थर्ड में हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस है ये आपके बेबी की हेल्थ पर क्या इफेक्ट डाल सकता है, और फोर्थ में हम देखेंगे कि आप इससे कैसे छुटकारा पा सकती हैं और बिल्कुल हैप्पी रह सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे फर्स्ट में हम कि आपको किन किन कारणों की वजह से स्ट्रेस हो जाता है अक्सर। सबसे पहले तो फिजिकल चेंजेस, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो आपकी जो बिल्कुल परफेक्ट पर्सनालिटी होती है, या फिर कुछ भी जो आप परफेक्ट मानती हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आपकी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं। आपकी आप थोड़ी सी मोटी मोटी सी हो जाती हैं और थोड़ा सा फिजिकल चेंजेस आने लग जाता है। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गर्ल्स सोचती हैं कि अब मेरे फिर से वो बॉडी वैसी होंगी कि नहीं, और काफी अगर बॉडी ऐसे ग्रो करेगी, बेबी थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो आपकी बॉडी भी ग्रो करेगी, आपके अंदर भी काफी फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, स्किन के अंदर काफी चेंजेस हो सकते हैं। सो आप थोड़ा स्ट्रेस में रह सकती हैं और आपको इसमें पेन भी होता है, तो आपको ये फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। सेकेंड में आपके हार्मोन्स की वजह से, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इसकी वजह से आपको काफी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप में चिड़चिड़ापन आ सकता है, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है। सो आप इसको कंट्रोल में रखिए और खुश रहिए हमेशा। थर्ड में, आप अगर वर्किंग वुमेन है, अगर आप वर्क के लिए जाती हैं बाहर, तो आपका वर्क, आपका जो कैरियर है उस पर, आपके घर पर, आपका जो प्रेगनेंसी है, इतना आप पे लोड आ जाता है, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाती है और काफी स्ट्रेस में आ जाती है। फोर्थ में आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आपके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, आपके रिलेशंस में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो इसके लिए भी आप में स्ट्रेस हो सकता है। प्रेगनेंसी वरीज हो सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड चिंताएं, जैसे कि अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई हैं तो आपके मन में काफी चीजें होती है लेबर को लेके, कि डिलीवरी कितनी पेनफुल होती होगी, डिलीवरी कैसे होगी, उस तरीके का आपके मन में डर आ जाता है एक तरीके से, तो ये भी स्ट्रेस का कारण बनता है। या फिर आपके मन में ये भी हो सकता है कि क्या मेरा बेबी हेल्दी भी रहेगा या नहीं, या उसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं होगी, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। या फिर आपका अगर पहले आप प्रेग्नेंट हुई थी और आपका अगर मिसकैरेज हुआ है, आपके मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, तो आपके मन में काफी फियर्स होते हैं कि कहीं मेरा फिर से मिसकैरेज ना हो जाए। सो काफी चीजें दिमाग में चलती रहती है, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस है वो आप पर, मतलब मदर पर सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट डाल सकता है। इस स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, आपको इनसोम्निया, मतलब रात में आपको अच्छे से नींद पूरी नहीं होगी और आपको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, डिसेंट्री से प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अल्टरनेट कुछ भी, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेस धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ये थोड़े थोड़े सिम्टम्स आएंगे। अगर जो फीमेल है वो लॉन्ग टर्म या सीवियर उसे स्ट्रेस चल ही रहा है, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बीपी की परेशानी उसे आ सकती है, ब्लड प्रेशर की, उसे गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, उसे काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, वो काफी चिड़चिड़ी एंजियस हो सकती है, और तो और उस वो अंततः डिप्रेशन में भी जा सकती है एंड में, तो ये काफी काफी पेनफुल हो सकता है उसके लिए, और उसकी प्रेगनेंसी काफी डिफिकल्ट हो सकती है अगर हम इस स्ट्रेस का सही टाइम पर इसे बैलेंस नहीं कर लेते। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि जो बेबी है, जो फीटस है, उस पर क्या इफेक्ट आ सकते हैं। अगर मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है तो बेबी जो होगा वो उसका जो उसकी इम्यूनिटी होगी वो बहुत लो होगी, वो बहुत जल्दी ही बीमार पड़ने लग जाएगा जब उसका जन्म होगा, तो उसकी इम्यूनिटी लो रहेगी। कई बार तो जो बेबीज होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, उसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब उन्हें हाइपोक्सिया हमें देखने को मिलता है, जिससे वो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में ले नहीं पाते, उन्हें काफी इश्यूज से गुजरना पड़ता है। चलिए ये तो हमने देख लिए क्या कारण होते हैं, क्या इफेक्ट आते हैं, हम बिना किसी सॉल्यूशन पे जाए इस वीडियो को कैसे खत्म कर सकते हैं,
तो अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल ही ऐसी है, आजकल जो वुमेन्स है वो बहुत ज्यादा वर्किंग हो चुकी है, उनका भी अलग वर्किंग चलता रहता है, फैमिली इश्यूज होते हैं, प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप कैसे स्ट्रेस से बच सकती हैं? तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या टिप्स होंगी। सबसे फर्स्ट में आपको ऐसे नहीं कि बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं हम, हमें कोई स्ट्रेस हो रहा है तो हम बिल्कुल एक कोने में जाके बैठ गए, इंडिफरेंस हो गए सबसे, ये कभी नहीं करना है हमें। हमें जिससे भी बात करना अच्छा लगता हो, हमारे हस्बैंड से या हमारे किसी फ्रेंड से या हमारे सिस्टर से, ब्रदर से, कोई भी हो आपकी लाइफ में जिससे आपको बात करने में अच्छा लगता हो और वो आपकी आपकी बातों को अच्छे से समझता हो, उससे आप बात करिए। थोड़ा सा टॉकेटिव रहिए, जिससे आपका माइंड थोड़ा इधर उधर जाएगा तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। और आप जितनी भी आपकी जो हॉबीज है, जो एक्टिविटीज है, उनको आप इम्प्रूव भी कर सकती है इस स्टेज में और अपने आपको स्ट्रेस से बचा भी सकती है। अगर आप ड्राइंग करती हैं, अगर आप ड्राइंग करती हैं, आप रीडिंग करती हैं बुक्स, या फिर आपकी अदर कोई भी ऐसी हॉबी है जो आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छे से चलती रहे और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर रखे, तो आप अपनी हॉबी भी, आप हॉबी को एंजॉय भी कर सकते हैं और इस टाइम पे आप हॉबी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर अपने आपको किसी भी एक्टिविटीज में बिजी रखेंगी तो आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। आपको क्या करना है, हमेशा अपने खाने पर पूरा ध्यान देना है, आपको हमेशा न्यूट्रिटिव फूड्स ही खाना है। और न्यूट्रिटिव फूड्स की जो सीरीज है फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ तक की, और आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी, तो मैं अपने चैनल पे वो न्यूट्रिटिव फूड्स की आपको शेयर कर ही रही हूँ वीडियोस, तो आप उन्हें भी देख सकती हैं और पता कर सकती हैं कि आपको कौन कौन से फूड लेने की जरूरत है और कौन से नहीं लेने की जरूरत है। और आपको रेगुलरली एक्सरसाइज, मिंड एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस आपका इससे कम हो जाए। करना चाहिए आपको एक सपोर्टिव प्रेगनेंसी ग्रुप, मतलब अगर कोई ग्रुप चल रहा है प्रेगनेंसी का तो आप उसको या तो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपकी फैमिली मेंबर में से कोई भी प्रेग्नेंट हो, या फिर मतलब अभी प्रेगनेंसी उसकी भी चल रही है, वो भी नया नया, आप भी नए नए, या फिर कोई भी हो तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिससे क्या होता है कि आपके मन में कहीं बाहर ऐसे सवाल होते हैं कि क्या ऐसा चेंजेस भी होता है, क्या वैसा चेंजेस भी होता है, तो अगर आप किसी के सपोर्ट में रहेंगी तो आपको ये रहेगा कि चलो ये उसके साथ भी हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये एक नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है, तो आपको इससे बहुत हेल्प भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपको फालतू का स्ट्रेस नहीं होगा। आजकल तो काफी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्लासेस भी आ रही हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। चाइल्ड बर्थ जो क्लासेस आ रही हैं, उसमें आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे उस बारे में आपको एजुकेट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप को किन किन फूड्स को लेना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप बिल्कुल इसे भी ज्वाइन कर सकती है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करने की भी हैबिट डालिए रेगुलर, एक टाइम आपको मॉर्निंग के टाइम पे आप मेडिटेशन कर लेंगी तो आपके माइंड की जितनी भी एंजाइटी है या कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है तो वो सारी चीजें आपकी थोड़ा सा निकल जाएंगी। और मेडिटेशन तो आप करिए ही सही प्रेगनेंसी के टाइम पे। और जिनको बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया है, जो बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, तो आप एक काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं, काउंसलर को, और ऐसा काउंसलर लीजिए जो जिससे आप अपनी सारी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकती है। काउंसलर भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं आपको इस एंजाइटी और आपको इस स्ट्रेस से बचाने के लिए। और देखिए, ये प्रेगनेंसी का जो टाइम है आपका, इसमें आप बिल्कुल चिल रहिए, एंजॉय करिए इसको, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। मेरे को ये लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में अब आ ही गया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकती है, मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर भी पूछ सकती है। मेरा इंस्टाग्राम की मैं लिंक भी आपको बता रही हूँ, नाम रानू चावड़ा, उसका लिंक भी शेयर कर दिया है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू।